everyone, welcome to my channel 24/7 English. This video is based on the first poetry of class 11th honorable book, A Photograph. So, first of all, I want to ask you, what is a photograph? Suppose, किसी को photograph पता ही नहीं है, किसने देखी नहीं है. So, how will you explain that person that what is a photograph? So, simply we can say that a picture taken by a camera, जिसमें कुछ image आती हैं, और वो इमेज कैसे केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू एक पेपर के ऊपर आ जाती है. बिकॉज कैमरा आपका एक इंस्ट्रूमेंट है और उससे वो पेपर के ऊपर जब आ जाती है और वो इमेज शो करती है, आइदर दिस इमेज कैन बी ऑफ नेचर, कोई ह्यूमन बींग भी हो सकता है और एनीथिंग. सो दैट इज अ पिक्चर और अ फोटोग्राफ दैट वी विल कॉल इट. नाउ आई शो यू फ्यू फोटोग्राफ्स ऑफ सम सेलिब्रिटीज ऑन द स्क्रीन. प्लीज गो थ्रू दिस. आफ्टरवर्ड्स वी विल स्टार्ट द पोएट्री. Here is the first one. You can see that Sonia Gandhi and late Shrimati Indira Gandhi, both of them are together in this photograph. Just watch it. Now the second photograph, let's watch the photograph of Kareena Kapoor many years ago. और अब हम ये तीसरी photograph देखते हैं Hrithik Roshan की, जो उनके childhood days की है. अब हम तीनों photographs में देखकर सबसे पहली चीज हम क्या notice करते हैं? What we notice whenever we watch a photograph. तो सबसे पहले हम देखते हैं the person. अगर उस photo में कोई person है, उसकी image को देखते हैं, उसके face को देखते हैं, उसके expressions को देखते हैं कि वो कैसा लग रहा है या कैसी लग रही है. Then we come to the clothing, कि what they are wearing. Then the third thing which we watch, that is the background, कि उनका background कैसा है. तो बेसिकली हम फोटोग्राफ के अंदर ये तीन मेन फैक्टर्स जो हैं वो नोटिस करते हैं. अब बहुत पुरानी अगर कोई फोटोग्राफ है उसको हम देखेंगे तो नेचुरल सी बात है कि आप एक यंगस्टर डेज में देखोगे और एक बाद में ओल्डर डेज में देखोगे तो देयर विल बी अ वेरी बिग डिफरेंस. और वो डिफरेंस जो है वो हमें फोटोग्राफ के थ्रू ही पता चल जाता है. हम देखते ही एकदम कह देते हैं कि अरे कैसे लग रहे थे आप और अब कैसे. फिर हम क्लॉथिंग को देखते हैं तो क्लॉथिंग में हम क्या नोटिस करते हैं कि अरे क्या पहना हुआ है, कैसे कपड़े पहने हुए हैं. बिकॉज फैशन कीप्स ऑन चेंजिंग. फैशन तो चेंज होता रहता है. अब आज जो ट्रेंड है वो कुछ साल बाद ट्रेंड नहीं होगा, वो कुछ और ट्रेंड आ जाएगा. सेम वे इट कीप्स ऑन चेंजिंग ऑल द टाइम. तो अब जो 10 साल 20 साल 30 साल पहले जो फैशन था वो अब नहीं होगा. और सेम वे जो आज फैशन है वो आज के बाद 20 और 30 ईयर्स आफ्टर वो फैशन नहीं रहेगा. तो अब हम सबसे पहले जब क्लोदिंग देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये कैसी ड्रेस पहनी है आपने. फिर उसके बाद वी कम टू द बैकग्राउंड. अब बैकग्राउंड में हम नोटिस करते हैं कि क्या था. आप कभी भी किसी फोटोग्राफ में अगर बैकग्राउंड देखेंगे और अगर वो नेचर की ब्यूटी को दिखा रहा है, नेचुरल ब्यूटी को दिखा रहा है, सो यू कैन नोटिस वन थिंग कि वो जो बैकग्राउंड है वो नॉर्मली ज्यादा चेंज नहीं होता. ह्यूमन बींग्स में चेंजेस आते रहते हैं चाइल्डहुड से एडल्टहुड में, और एडल्टहुड से फिर और फर्दर बड़े हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, वो ह्यूमन बींग्स के अंदर नजर आएंगे. लेकिन आपको बैकग्राउंड में अगर नेचर है, माउंटेन्स है, रिवर्स है, सी है, वाटर बॉडीज है, कुछ भी है, वट एवर इज दिस, वो चेंज इतना नहीं होते. अब हम फोटोग्राफी के बारे में देखते हैं कि आजकल तो स्टिल फोटोग्राफी का इतना ज्यादा फैशन नहीं है, वो ट्रेंड में नहीं है. आजकल लेटेस्ट ट्रेंड क्या है? सेल्फीज का. सबको पता है, आप सब भी यूज करते हैं, सब लेते होंगे अपनी. तो अब सेल्फीज का फैशन ज्यादा है, लेकिन बहुत सालों पहले या कुछ सालों पहले स्टिल फोटोग्राफी का फैशन जो है वो ज्यादा ट्रेंड में था. आजकल भी स्टिल फोटोग्राफी ली जाती है बट मेनली फॉर द पर्पज ऑफ सम सेरेमनीज, जैसे कोई मैरिज फंक्शंस है या बर्थडे फंक्शंस है या कोई और फंक्शन है, उस तरह के लिए हम स्टिल फोटोग्राफी प्रेफर करते हैं और हम एक एल्बम बनाते हैं और उस एल्बम में हम अपने मेमोरीज को स्टोर करते हैं. तो इसका मतलब उन फोटोग्राफ्स के साथ हमारी मेमोरीज जो हैं दे आर इंटरकनेक्टेड विद देम. तो हम बहुत सालों बाद जब उन फोटोग्राफ्स को देखते हैं तो हमारी मेमोरीज जो है वो रिकलेक्ट हो जाती है, हम सब चीजों को दोबारा से याद करते हैं और अपने आप को एक रिफ्रेश फील करते हैं. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स कम टू द पोएट्री. अ फोटोग्राफ बाय शर्ली टाउंसन. अब शर्ली टाउंसन यहां पे क्या कहती हैं? व्हाट्स द थीम ऑफ दिस पोएट्री? द थीम इज ट्रांजियंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, डेथ एंड मिस्ट्रीज सराउंडिंग देम. ट्रांजियंस मींस इम्परमानेंस, यानी जो परमानेंट नहीं है, मींस टेम्पररी यू कैन से. अब ह्यूमन लाइफ जो है वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है. इसका मतलब क्या है? दैट एवरीवन हैज टू डाई. तो उसके बाद फिर डेथ, उसके साथ मिस्ट्रीज जो भी उनकी लाइफ के साथ जुड़ी हुई है, ये सब इम्परमानेंट है, ये परमानेंट नहीं है. और वी कैन से इन द अदर वे, loss for others but they continue to live on in the form of memories. What she wants to say ki loss for others, ki koi agar chala jata hai, ab hum purani photographs mein dekhte hain aur usme agar hum aise
किसी बंदे को देख रहे हैं या कोई हमारा रिलेटिव है या एनीवन हु इज नॉट अलाइव नाउ, तो हमारी मेमोरीज उनके साथ जुड़ जाती है, वो हम अपनी पुरानी मेमोरीज में चले जाते हैं एंड दैट पर्सन इज अ लॉस फॉर आवर लाइफ. अगर हमारी लाइफ से वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, वो बहुत हमारे क्लोज थे, सो दैट बिकम्स अ लॉस फॉर अस और लॉस फॉर अदर्स. अदर्स मीन्स द पर्सन हु इज वॉचिंग दोस फोटोग्राफ्स, बट दे कंटिन्यू, लेकिन वो अपनी मेमोरीज के थ्रू, उनका फोटोग्राफ्स के थ्रू हमारी मेमोरीज में कंटिन्यू रहते हैं, हम उनको हमेशा याद रखते हैं. नाउ वी कम टू द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम. सो व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया? मैन इज अ मॉर्टल, मैन इज अ मॉर्टल. मॉर्टल मीन्स द पर्सन हु डाइज, जो मर जाता है, जो खत्म हो जाता है, और इसका ऑपोजिट हो गया इमॉर्टल, अमर, जो कभी खत्म नहीं होता. एंड हैज अ ट्रांजिटरी रिलेशनशिप. ट्रांजिटरी इज ऑल्सो टेम्पररी रिलेशनशिप टू हिज सराउंडिंग्स. उनकी जो सराउंडिंग्स है, सराउंडिंग्स में जो लोग हैं, उनके साथ उनकी जो रिलेशनशिप होती है, दैट इज ट्रांजिटरी, वो चेंज होती रहती है. देयर आर मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय वन एक्सपीरियंसेस लॉस एट वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ. और हम अपनी लाइफ में अलग अलग स्टेजेस को फेस करते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस को फेस करते रहते हैं. हैप्पीनेस भी है, जॉय भी है, अगर कोई चला गया तो लॉस भी है, एंड वी कीप ऑन फेसिंग ऑल दीज एक्सपीरियंसेस इन आवर लाइफ. और हम इन एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखते भी हैं. सो लेट्स स्टार्ट द पोएट्री. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग. हियर द कार्डबोर्ड मीन्स द फोटोग्राफ. आप देख सकते हैं, आपको पता होगा कि जब हम कोई फोटोग्राफ लेकर आते हैं या आप फोटोग्राफर से अपनी कोई फोटोग्राफ लेते हैं, वैसे तो नॉर्मली आजकल फोटोग्राफी कम ही करवाते हैं लोग, बट नॉर्मली हमें कोई फॉर्म भरना है तो हम देखते हैं कि हम फोटोग्राफर के पास जाते हैं, हम उनसे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेके आते हैं. तो उनका जो पेपर होता है, जिस पेपर के ऊपर वो फोटोग्राफ्स होती हैं, वो अ लिटिल बिट थिक, थोड़ा थिक पेपर होता है कंपैरेटिवली टू अदर पेपर्स. सो दैट इज अ कार्डबोर्ड. सो यहाँ पे दे वॉन्ट टू शो द कार्डबोर्ड मीन्स द फोटोग्राफ. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो. नाउ द राइटर सेज दैट कार्डबोर्ड हियर, कार्डबोर्ड इज द फोटोग्राफ. अब उस फोटोग्राफ के थ्रू वो क्या देख रही है, फोटोग्राफ क्या दिखा रही है उसको, वो दिखा रही है द टू गर्ल कजन्स. किसकी कजन्स है वो? उसकी मदर की, बिकॉज शी इज सेइंग ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माय मदर्स हैंड. मींस देयर आर थ्री गर्ल्स इन द पिक्चर. उस फोटोग्राफ में, उस पिक्चर में थ्री गर्ल्स हैं. सेंटर में उसकी मदर है और दोनों साइड्स पे उसकी कजन्स है, उसकी मदर की कजन्स है, एंड दे आर होल्डिंग हर हैंड. उसके हैंड पकड़े हुए हैं उनके बाकी दोनों कजन्स ने, एंड शी द बिग गर्ल. और उसकी अपनी मदर को बता रही है शी इज अराउंड 12 ईयर्स ओल्ड, ऐसे होगी. एंड दे आर डूइंग पेडलिंग. पेडलिंग मीन्स कैन से सी शोर के पास है, और अ काइंड ऑफ स्विमिंग ऑल्सो, और पेडलिंग इज अ वॉटर स्पोर्ट ऑल्सो. सो वो कर रहे हैं तीनों, दे आर बिजी इन दैट. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. अब क्या कहती है कि जब उसके कोई अंकल, नेचुरली जब कैमरा उन्होंने लिया है तो कैमरे के साथ को कोई अंकल ऑपरेट कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं उनकी फोटोग्राफ के लिए. क्योंकि पहले तो आप क्या होता है कि आप अपने आप ही अपनी फोटोग्राफ्स ले लेते हैं, सेल्फीज लेते हैं कुछ, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था. आप डिजिटल कैमराज यूज करते थे तो आपको कोई थर्ड पर्सन चाहिए होता था उसको ऑपरेट करने के लिए. तो कहते हैं एक अंकल हैं जो उनकी फोटोग्राफ ले रहे हैं, एंड दे ऑल स्टूड स्टिल. तीनों के तीनों बिल्कुल स्टिल खड़ी हुई हैं, सीधी खड़ी हैं एकदम इरेक्ट होके, एंड दे आर स्माइलिंग फॉर द पिक्चर. वो पिक्चर को देख के उनको स्माइल कर रही है, अपने मतलब पिक्चर के लिए स्माइल कर रहे हैं. लाइक व्हेन एवर वी गो फॉर एनी फोटोग्राफ और वी टेक एनी पिक्चर, वी से चीज. सो दिस वे दे आर ऑल्सो स्माइलिंग. सो थ्रू देयर हेयर्स, नाउ ही सेज थ्रू देयर हेयर, मतलब सी शोर पर होंगी या जो भी एरिया है वो बाद में पता चल जाएगा. सो वो जहां पर है, मे बी इट्स विंडी, हवा है बहुत, एंड देयर हेयर्स आर कमिंग ऑन देयर फेस. सो वो अपने हेयर्स के थ्रू दे आर स्माइलिंग ऑन द कैमरा फॉर द अंकल एंड द स्वीटेस्ट फेस. शी इज टॉकिंग अबाउट हर मदर, कि अपनी मदर को बता रही है हर फेस इज वेरी स्वीट. शी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड. अब नेचुरली उसकी मदर अगर 12 ईयर्स की है तो वो तो पैदा नहीं हुई होगी, तो उससे पहले की वो बता रही है, बिफोर आई वॉज बॉर्न. एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस वॉश देयर टेरिबली ट्रांजियंट फीट. नाउ वी कम टू हियर, वी वर टॉकिंग दैट वेयर वर दे वर एट द सी, सी शोर पर है. अब वो कहते हैं विच अपीयर्स, यानी बैकग्राउंड में जो है वो सी है, एंड विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस. जैसे मैं आपको बताया कि नेचर ज्यादा चेंज नहीं होती है, नेचर में चेंजेस इतने नहीं आते हैं,
तो वहां पे भी सी के कहते हैं बैकग्राउंड में जो सी है वहां पे चेंजेस इतने नहीं आए हैं, लेकिन हाँ इन तीनों के अंदर बहुत चेंजेस आ गए हैं। तो अपनी मदर के बारे में सोच रही है कि मदर तो उसकी 12 ईयर्स की हैं और बाकी जो उसकी कजन्स हैं वो छोटी हैं, तो अब वो बाद में बहुत बड़ी हो गई और नेचुरली उसको लगेगा कि हाँ इतने चेंज आ गए, क्योंकि वो अपनी मदर की चाइल्डहुड की फोटोग्राफ देख रही है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 फोटोग्राफ्स दिखाई तो आपने देखा होगा कि इतने छोटे और इतने पहले की उनकी फोटोग्राफ्स थी, तो वो चेंज लग रहे थे और उनका बैकग्राउंड जो था वो ऑलमोस्ट वैसा ही था। वॉच देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। नाउ ही इज सेइंग टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। ट्रांजिएंट फीट मीन्स ट्रांजिएंट इज टेम्पररी नॉट परमानेंट, एंड दे आर टॉकिंग दैट कि उनके परमानेंट फीट नहीं है, ट्रांजिएंट फीट है। मतलब ट्रांजिएंट फीट का मतलब यहां कहने का मतलब है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है। तो आज वो यहां है, कल कहीं और होंगे। और इस तरह से वो कह रहे हैं वॉशिंग वॉश देयर, जो वॉटर वहां से आ रहा है वो ऐसा लग रहा है जैसे उनके फीट को वो वॉश कर रहा है। एंड टेरिबली ही सेज मींस गुड। देन वी कम दैट द नेक्स्ट टेंसा कम्स नाउ सम 20-30 ईयर्स लेटर। अब ये अपने मदर की के पास्ट की बात कर रही है, व्हेन शी वाज 12 ईयर्स ओल्ड। अपनी मदर, उसकी मदर जो थी शर्लेट ऑल्सन की, वो 12 ईयर्स ओल्ड थी उस टाइम पे, बिल्कुल बहुत टीनेज से भी पहले की टाइम की बात है। तो उस टाइम की बात बता रही है, तो उसका पास्ट था सारा, ये वो सब देख रही है। अब वो कहती है सम 20-30, मतलब अब इसके बाद 20-30 ईयर्स के बाद क्या हुआ होगा। सम 20-30 ईयर्स लेटर शी लव्ड एट द स्नैपशॉट सी बेटी एंड डॉली शी हैड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। नाउ वॉट शी इज सेइंग, नाउ शी इज टॉकिंग अबाउट हर मदर, कि उसकी मदर ने 20-30 ईयर्स लेटर यानी उसके बाद जब देखी होगी अपनी फोटोग्राफ, 20-30 ईयर्स के बाद अपनी फोटोग्राफ देखी होगी और उनकी कजन्स भी होंगी अगर साथ में। नाउ द नेम ऑफ द कजन्स शी इज सेइंग बेटी एंड डॉली, तो वो कहती है दोनों कजन्स भी साथ होंगी और वो अगर देख रही होंगी तो दे माइट बी लाफिंग एट दैट टाइम, वो हंस रही होंगी उसके ऊपर। क्यों हंस रही होंगी, क्योंकि वो कहती है कि एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कि हमें बीच के ऊपर ले जाने के लिए, बीच पार्टी के लिए, या आपके आप कह सकते हैं जैसे वीकेंड्स में अगर घूमने जा रहे हैं तो बीच पे हमें ले जाने के लिए कैसी ड्रेसेस हमें पहनाई थी। जैसे मैं आपको बताया कि फैशन कीप्स ऑन चेंजिंग, तो उस टाइम क्या फैशन था वो उन्होंने उस टाइम ड्रेस डाली हुई थी, बट जब वो अपनी फोटोग्राफ को 20-30 ईयर्स के बाद देखती हैं, जैसे आप भी अपने पेरेंट्स की फोटोग्राफ को देखे हो जो बहुत पहले की हो और बाद में देखोगे तो आप कहोगे कि आपने कैसी ड्रेस पहनी हुई है, तो आपकी मदर कहेंगे उस टाइम ये फैशन हुआ करता था। या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स की अगर फोटोग्राफ देखो तो कहेंगे कि उस टाइम तो यही फैशन था। तो अब वही वो खुद अपने ड्रेसेस को देख के हंस रहे हैं कि देखो हमें कैसे ड्रेसअप किया हुआ था बीच के लिए। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, बोथ राइट विद द लेबर इज ऑफ लॉस। अब कहती है जो सी हॉलीडे था, जो उसकी मदर का सी हॉलीडे था, वॉज हर पास्ट, उसकी मदर का तो पास्ट था वो, माइन हर इज हर लाफ्टर, उसके लिए वो खुशी वाली बात थी, हंसने वाली बात थी कि वो देख के हंस रही थी अपनी मदर की फोटोग्राफ को, उसको हंसी आ रही थी, मजा आ रहा था कि कैसे ड्रेसअप हुए हो, क्या है, कहाँ घूम रहे हो, किस तरह से क्या कर रहे हो, वो सब देख रही थी। बोथ राय, राय मीन्स डिसअपॉइंटमेंट, और दोनों के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट वाली बात थी। क्यों डिसअपॉइंटमेंट वाली बात, वो अभी हम नेक्स्ट टेंसा में देखेंगे। विद लेबर इज ऑफ लॉस, नाउ लेबर इज ऑफ लॉस, अब यहाँ पे वो कहता है क्योंकि दोनों के लिए एक लॉस वाली बात थी। लेबर इज मतलब लेबर का मतलब तो कि बहुत ज्यादा आपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर दिए, और ईज मीन्स इजिली अवेलेबल सब कुछ, तो दोनों चीजें उसने कंट्रास्ट में बोल के बताया है कि वो एक लॉस था दोनों के लिए। नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब वो बताती है कि उसकी मदर जो है वो अब अलाइव नहीं है, जितना उसकी एज हो चुकी है उतना उसकी मदर की ऑलमोस्ट जिस एज पे वो है उतना टाइम पे मतलब वो डेथ हो चुकी है, यानी जैसे वो फोटोग्राफ में बता रही है कि 12 इयर्स की है, तो उस इतनी साल ऑलमोस्ट उसकी डेथ को मदर को हो चुका है। तो अब उससे पता चलता है कि वो उसके लिए लॉस का टाइम, लॉस क्यों हुआ दोनों के लिए, बिकॉज उसकी मदर नहीं है इसलिए उसके लिए अपनी मदर का लॉस है, और उसकी मदर अपना भी लॉस सोच रही है। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे वो इतना पुराना टाइम अपना देख रही है। तो ये दोनों के बारे में बात कर रही है कि जब उसकी मदर ने 20-30 ईयर्स लेटर अपनी पिक्स देखी होंगी तब वो क्या सोच रही होंगी, और अब जब ये देख रही है तो ये क्या सोच रही है, एंड इसीलिए दोनों के लिए डिसअपॉइंटमेंट वाली बात हो गई। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। अब कहती इस सर्कमस्टेंस पे, इस पॉइंट पे आके जब उसकी मदर नहीं है,
शी हैज अ ग्रेट लॉस इन हर लाइफ. तो इस पॉइंट पे आके देयर इज नथिंग टू से एट ऑल. वो कुछ नहीं कह सकती इस बारे में, कुछ नहीं फर्दर बोल सकती. क्यों? क्योंकि उस फोटोग्राफ के साथ उसकी चाइल्ड, उसकी मदर की चाइल्डहुड मेमोरीज जो है वो उसको उसकी फोटोग्राफ के थ्रू दिख रही है. मतलब उसकी अपनी जो अपनी मदर के साथ उसका रिलेशन था, जो मेमोरीज उसके साथ कनेक्टेड थी उसकी मदर की, वो सारी के सारी शी हैज नॉट रिकलेक्टेड. वो सब उसके माइंड में आ गए और वो सब कुछ सोचने लगी. एंड शी डोंट वांट टू से, शी डजंट वांट टू से एनीथिंग नाउ. इट साइलेंस साइलेंसेस. और फर्दर व्हाट शी सेज दैट साइलेंस जो है वो बिल्कुल साइलेंस कर देती है सबको. मतलब साइलेंस छा जाती है, पूरी शांति छा जाती है उसके ऊपर. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएट्री. इट्स वेरी इजी. एंड ये थ्री स्टैंजा में जैसे आपको बताई है, तो फर्स्ट स्टैंजा जो डिस्कस किया है उसने अपनी मदर का पास्ट डिस्कस किया है. सेकेंड स्टैंजा में वो डिस्कस कर रही है दोनों को. शी इज डिस्कसिंग अबाउट हर मदर एज वेल एज हर सेल्फ. दोनों के बारे में बात कर रही है कि जब मदर ने फोटोग्राफ देखी तो क्या सोचा होगा और उसने फोटोग्राफ देखी तो वो क्या सोच रही है. एंड द थर्ड वन दैट इज नाउ शी इज ऑल अलोन. तो शी इज मिसिंग हर मदर. अभी तीनों स्टैंजा में तीनों अलग अलग बातें वो बता रही है पोएट हमारी. नाउ वेलकम टू द poetic devices used in this poetry. Ab first of the thing that what is a poetic device or what are poetic devices. So I would like to tell you that poetic devices are the devices or the words which are used for the beautification of any poetry. Kisi bhi poem ko, kisi bhi poetry ko aur zyada beautify karne ke liye aur zyada sundar banane ke liye jo combination of words use kiye jate hain, those are known as poetic devices. So here we come from the beginning. First, you say, the writer says, cardboard shows me. Ab, you can easily think or you can easily check that cardboard cannot show anything. Cardboard jo hai, wo kuch aise nahi dikha sakta hai. But yahan pe ek human quality ko, ek materialistic thing, ek inhuman things ke saath compare kiya gaya hai. To yahan pe jo human quality ko dikhaya gaya hai, cardboard ke saath, that's why this is personification. So, personification kya hota hai? जब ह्यूमन बींग्स की किसी क्वालिटी को इन ह्यूमन चीजों के साथ दिखाया जाता है, कंपेयर किया जाता है, दैट इज पर्सोनिफिकेशन. द नेक्स्ट पर्सोनिफिकेशन इज विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस. नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट द सी. अब सी के बारे में कह रहे हैं कि वो ज्यादा चेंज नहीं हुआ, उसमें बहुत कम चेंजेस आए हैं. तो सी तो नेचर का पार्ट है. सी दिस इज अ पार्ट ऑफ अ नेचर. तो इसमें ऐसे क्या चेंजेस होंगे? अब चेंजेस कहाँ होते हैं? ह्यूमन बींग्स के साथ. तो यहाँ पे दिस इज ऑल्सो पर्सोनिफिकेशन. नाउ we can see stood still to smile. SSS. जहां पर भी repetition of any alphabet, starting alphabets जो होता है, जैसे यहां पे SSS ये repeat हुआ है, that is known as alliteration. ये आपको बहुत ध्यान रखना है जब भी, और बहुत easy है ये. जहां भी आपको अगर कोई और poetic device ना भी याद आए, जहां भी देखते हो कि जहां repeat हुआ है, two times repeat हुआ है, three times repeat हुआ है, जो भी है उसमें आपने एलिट्रेशन लिख देना आग बंद करके. देन थ्रू देयर, टी टी टू थ्रू देयर हेयर. तो टी टी दो बार रिपीट हुआ है, दिस इज ऑल्सो एलिट्रेशन. टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, टी टी टेरिबली ट्रांजिएंट, एलिट्रेशन. साइलेंस साइलेंसेस, एस एस, एलिट्रेशन. अब साइलेंस साइलेंसेस में पर्सोनिफिकेशन भी है. कैसे है? बिकॉज यहां पे साइलेंस, वो कहते हैं साइलेंस जो है वो सब कुछ साइलेंस कर रही है. साइलेंस इटसेल्फ इज अ वर्ड. और यहां पे कहते हैं उसको वो सब साइलेंस कर रही है. यानी यहां पे तो साइलेंस उसने वर्ड यूज किया है, यहां पे उसको एज अ वर्ब यूज किया है. और नॉर्मली क्या होता है, ह्यूमन बींग्स जो है वो साइलेंस कर देते हैं सब कुछ. तो वो कहते हैं यहां पे उसको कैरेक्टरिस्टिक यहां दिखा रहा है, दैट मीन्स इट इज पर्सोनिफिकेशन ऑल्सो, एलिट्रेशन एज वेल एज पर्सोनिफिकेशन. नाउ कम लेबर्ड इज. लेबर्ड मीन्स बहुत ज्यादा एफर्ट्स करना, फुल ऑफ एफर्ट्स. और ईज मीन्स बहुत इजीली सब कुछ हो जाना. दीज बोथ आर कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स. कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स मीन्स जिनमें कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी दोनों के मीनिंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बट द पोएट इज यूजिंग बोथ ऑफ देम टुगेदर. अब इन दोनों ऐसे वर्ड्स जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और उनको साथ में यूज किया जाता है, देन दिस इज नोन एज ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन क्या है? जब दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को कॉम्बिनेशन में यूज किया जाए. So this is a very important poetic device. Now we come wash their terribly transient feet. अब यहां देखोगे terrible transient feet में alliteration भी है and wash their terribly transient feet. तो यहां पे transferred epithet भी है. Transferred epithet क्या होता है? When any adjective is used,
एडजेक्टिव किसके साथ यूज हुआ है, ये एडजेक्टिव यूज हुआ है यहाँ पे फीट के लिए, और क्या वॉश कर रहा है, सी। तो अभी यहाँ पे ट्रांजिएंट फीट, अब ट्रांजिएंट कहता है इम्परमानेंट मतलब टेम्पररी, और फीट, फीट तो ह्यूमन बींग्स के हैं, तो अब वो कहते हैं यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहे हैं कि वो इम्परमानेंट ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो ह्यूमन नेचर है विच कीप्स ऑन चेंजेस, तो वो चीज यहाँ पे दिखाता है, और ये कहता है कि वॉश कर रहा है सी उसको, तो वो एक एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं यहाँ पे ट्रांजिटरी बोली ट्रांजिट फीट के साथ, सो दैट्स व्हाई दिस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस पोएट्री एंड आई होप दैट दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई हैव प्रोवाइडेड द क्वेश्चन आंसर्स इन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, you can go through the description box and you can check the question answers and you may please note down in your copies, that will be very useful for all of you. Afterwards I would like to say that don't forget to like, share and subscribe the channel and comment also in the comment section and subscribe now as well as click the bell icon so that you can get all the latest updates. Thank you very much. Thanks for watching.